आपके केवल 8.5% गर्भवती माओं के सिजेरियन हो रहे थे। आज तो क्या कहते हैं, रिस्क है जी, बड़ा रिस्क है। एक्चुअली सिजेरियन की प्रैक्टिस आई थी कि जब लाइफ एंड डेथ का मामला हो जाए तब करना है, पर यहां पे शहरों में 40% सिजेरियन हो रहे हैं। डॉक्टर कोई ना कोई तरीका निकाल, टारगेट दे दिए ना। डॉक्टर वो लोग कह रहे हैं कि जब तक नॉर्मल डिलीवरी हो नहीं जाती वो लोग वेट करेंगे। अरे नॉर्मल डिलीवरी होएगा तो बेटा हॉस्पिटल में माल कहाँ से आएगा और तुम्हारा सैलरी कहाँ से आएगा? नॉर्मल डिलीवरी इज नॉट पॉसिबल, यू मस्ट गो फॉर सी सेक्शन। वेट करेगा तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा उनको 2-4 बड़ा बड़ा मेडिकल टर्म चिपकाने का। ये प्राइवेट हॉस्पिटल जो ब्रांडेड हॉस्पिटल टारगेट दिए हुए हैं, कितने सिजेरियन तेरे, कितने बोला मेरे इतने, तेरे कितने, ये परफॉर्मर निकला है, हा हा इसको प्रमोट करो। धंधा बदल गया है, कॉर्पोरेट बना दिया है इन्होंने। आज वो फेमस केस देखते हैं ना आप, किसी को उल्टी आ जाती है, 15 रुपए के ORS से काम चल जाता, पर ये क्या करेगा, ए तेरा अपेंडिक्स फट गया है, तेरा तो अपेंडिक्स फट गया है, अब क्या होगा? कुछ नहीं, छोटा सा ऑपरेशन है, बस 1.5 लाख रुपए का बिल, एक चीरा लगाया और चीरा बंद किया, हो गया खत्म काम। एक्चुअली मैं केवल नेगेटिव बात नहीं करूंगा, देवी प्रसाद शेट्टी के बारे में पूरा देश जानता है, पद्मश्री के बाद पद्मभूषण भी मिला इनको, 23 अस्पताल बना दिए इन्होंने, 7 हार्ट सेंटर्स भी तैयार किए। ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे काम करते हैं, करके दिखा रहे हैं, पॉजिटिव केस स्टडी है, ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे काम करते हैं। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं हेनरी फोर्ड, उन्होंने पहली बार असेंबली लाइन बनाई गाड़ी की, एक जगह पे खड़े होने की जगह असेंबली लाइन में आदमी आगे, गाड़ी आगे बढ़ती रहती है, हर आदमी ऑपरेटर वर्कर अपना अपना चीज ऐड करता जाता है, कोई दरवाजा फिट करता है, कोई शीशा फिट करता है, कोई टायर फिट करता है, कोई मडगार्ड, सब अपना अपना काम कर रहे हैं ना। इन्होंने ऐसा ही किया, इन्होंने क्या कहा कि पहली बार असेंबली लाइन बना देंगे ओपन हार्ट सर्जरी के अंदर, अलग अलग डॉक्टर्स को, अलग तेजी से हाईएस्ट स्पीड पर रिकॉर्ड तोड़ तरीके से ये स्पीड से ऑपरेशन करते हैं। बोला ज्यादा ऑपरेशन कर दो, कॉस्ट कम आ जाएगी, क्यों पेशेंट को लूटते हो, प्रॉफिट तो वैसे भी कमा लेंगे। 225 करोड़ रुपए इन्होंने पिछले 3 साल में कमाए, $1 बिलियन का वैल्यूएशन हुआ इनके IPO में। कोई भी मेडिकल हिस्ट्री के अंदर हमारे देश में इतने बड़े ऑपरेशन, अरे कमाल हो गया भाई, इतनी स्पीड से कर रहे हैं, क्या नोट नहीं छाप रहे, छाप रहे हैं लेकिन ईमानदारी से छाप रहे हैं। इनके अस्पताल में 14,000 वर्कर हो गए हैं, वॉल्यूम बढ़ाने पे फोकस किया है, वैल्यू नहीं, कम ऑन, वैल्यूएबल के पीछे नहीं भाग रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ा दो। बोला एक लाइन से सारे डॉक्टर्स के अलग 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 रोल्स बना दिए, ये खोलेगा, ये बंद करेगा, ये लिटाएगा, ये एनेस्थीसिया देगा, स्पीड से ठक 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 ठक, ऐसा 300 ऑपरेशन एक दिन में कर डालते हैं। क्या स्पीड ले आए, इनको पता है भारत देश में हॉस्पिटल का धंधा एथिकली करना आसान है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, अरे वॉल्यूम बढ़ाने के बारे में सोचो, अरे स्केलेबल मॉडल के बारे में सोचो, इतना आसान। गोविंदप्पा स्वामी अरविंद आई केयर हॉस्पिटल, मैकडोनल्ड से सीखा इन्होंने, बोला मैकडोनल्ड 1 बिलियन बर्गर बना दिया। Our country is the capital of blind in the world. सबसे ज्यादा अंधे लोग हमारे देश में हैं। इन्होंने सस्ते ऑपरेशन, जो $2,000 का ऑपरेशन अमेरिका में हो रहा है, बोला वॉल्यूम बढ़ाओ, $10 में कर देंगे। जहां बाकी डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स के घर बार पैसा सोना जमीन सब लूट लेते हैं, ये गोविंदप्पा वेंकट स्वामी ने अपने घर जमीन और ज्वेलरी को गिरवी रख के अरविंद आई केयर चालू किया है ना। आपके सामने एग्जांपल्स हैं, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ये भी तो एग्जांपल है अपने सामने। ये लोग क्या करते हैं, ये 2 सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं, एक सेक्शन बहुत बड़ा रखते हैं ऑर्डिनरी केयर का, जो जनरल केयर है, जिसमें सबको सर्विस देते हैं लगभग फ्री में, और दूसरी तरफ थोड़ा सा प्रीमियम सेक्शन रखते हैं, लोगों से जिनके पास पैसा है उनसे चार्ज करो और बाकियों की फ्री सेवा। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने कमाल कर दिया, जो कैंसर की दवाई 1 लाख रुपए महीने की थी, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने वॉल्यूम बढ़ाने के चक्कर में उसकी तैयारी कर रहा है कि 1,000 रुपए महीने में, 1 लाख की कॉस्ट, 1,000 रुपए महीना, संभव है, संभव है, सब कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बिजनेस करना आसान है, लेकिन लोगों को समझ नहीं आता, ये लल्लू लाल सिंड्रोम है, एक बार में काट लो। मेरा आपको आज छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को डाउनलोड करके 8 लाख डॉक्टर जो हमारे देश में है हर एक तक पहुंचाइए, देश के हेल्थ मिनिस्टर तक पहुंचाइए, आवाज बुलंद करिए। अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे आज मेरे साथ, तो कल को आप भी विक्टिम बनेंगे, आपको भी लूटा जाएगा। सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, ऐसे वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।